Hi all, in this session we are going to discuss about how to do font formatting in Microsoft Word document. First of all, let us open a Word document. हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है. अब हम इसमें देखेंगे हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग मीन्स जैसे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, उसमें डिजाइनिंग चेंज करनी है, अपर केस या लोअर कैरेक्टर्स करनी है, या बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन फॉन्ट करना है. ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग वेज होते हैं फॉन्ट की. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले ये हमारी हेडिंग है, बट वी वॉन्ट कि इस हेडिंग को हम सेंटर में प्लेस करें एंड ये सारे कैपिटल लेटर्स हो. फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए आप चाहे तो इस फॉन्ट टैब पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे चेंज कर सकते हैं, या आप जो भी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए. एंड व्हेन यू क्लिक, ये एक टूल बार ओपन होता है. इस टूल बार में भी सिमिलर ऑप्शंस होते हैं जो आपको यहाँ डिस्प्ले करने हैं. सो इनसे हम ये देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट वेज से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं. इस हेडिंग को मूव करने के लिए सेंटर में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं. फर्स्टली आप इसको सेलेक्ट कीजिए. फर्स्टली आप कीबोर्ड से टैब की को प्रेस कीजिए एंड कीप ऑन मूविंग जब तक ये सेंटर में ना आ जाए. दिस वॉज वन वे, कीप इट बैक. सेकेंड वे है इंडेंटेशन का. ये पैराग्राफ टैब में होता है. ये दिस आइकन इज डिक्रीज इंडेंट. डिक्रीज इंडेंट मीन्स के पास आप मार्जिन के पास टेक्स्ट को रखना चाहते हैं. इंक्रीज इंडेंट मीन्स आप मार्जिन से डिस्टेंस पे टेक्स्ट को रखना चाहते हैं. सो हमें हमारे ये मार्जिन है, हमें इससे अपने टेक्स्ट को मूव करना है टूवर्ड्स सेंटर. तो वी विल क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेंट एंड इसको क्लिक करते रहेंगे जब तक हमारा टेक्स्ट सेंटर में ना आ जाए. दिस वॉज सेकेंड वे. थर्ड वे भी आप इसको सेलेक्ट कीजिए. अलाइनमेंट ऑप्शन पे जाइए. दिस इज योर सेंटर अलाइनमेंट. सेंटर अलाइनमेंट क्या करेगा, आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको आपके डॉक्यूमेंट के सेंटर में प्लेस कर देगा. हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन दिस, आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया. सो ये हमारी तीन वेज थी जिनसे हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं. अब हमें चाहिए कि ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो, क्लिक ऑन बोल्ड. इटैलिक करना है, आप इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए. आपको अंडरलाइन करना है, क्लिक ऑन अंडरलाइन. अब फॉन्ट की डिजाइनिंग एंड फॉन्ट का साइज अगर आपको चेंज करना है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए. हमारे पास ये टूल बार ओपन हो गया. इसमें जो भी आप डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे आप मूव करते हैं डिजाइन पे उसके अकॉर्डिंग आपका फॉन्ट चेंज होता जाएगा. We selected this one. अब हमें इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, बिकॉज ये हेडिंग है तो हमें इसको थोड़ा और डिस्प्ले करना है. फॉन्ट डिजाइन भी हम फिर से चेंज कर देते हैं, कीप दिस वन. अब जो हमारी हेडिंग है हमें उसका केस चेंज करना है. केस चेंज करना मीन्स हमें सारे कैपिटल लेटर्स चाहिए उसमें. सो केस चेंज करने के लिए आपके पास ये आइकन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे. आपके पास फाइव ऑप्शंस हैं. फर्स्टली सेंटेंस केस. सेंटेंस केस क्या करता है, आपका जो भी सेंटेंस में जैसे कैरेक्टर्स होते हैं कि आपका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब वर्ड्स में स्मॉल लेटर्स होते हैं. सो दिस इज योर सेंटेंस केस. लोअर केस, सारे लोअर केस में कैरेक्टर्स हो जाएंगे. यहाँ पर जो भी हमें डिस्प्ले किया गया है वो हमें हिंट दिया गया है कि हमारे चेंजेस कैसे होंगे टेक्स्ट में. अपर केस, अपर केस में क्या होगा कि आपके सारे कैरेक्टर्स कैपिटल हो जाएंगे. कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपके जो वर्ड्स हैं उनमें हर पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा. हम इस पर क्लिक करते हैं. क्रिकेट न्यूज,
ये आपका कैपिटल हो गया। ऐसे ही अगर आपको सेंटेंस केस का एग्जांपल देखना है, सेंटेंस केस में क्या हुआ, सी कैपिटल हो गया एंड बाकी सब लेटर्स स्मॉल रहे। लोअर केस जैसा हमारा पहले था, सारे हमारे लेटर्स स्मॉल हो गए। अपर केस, अपर केस हमारी रिक्वायरमेंट है, हम इस पे लास्ट में आएंगे। टोगल केस में क्या होगा कि आपके वर्ड्स के पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा एंड बाकी सब लेटर्स कैपिटल रहेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट थी सारे कैपिटल लेटर्स करना, तो वी विल क्लिक ऑन अपर केस। सी, हमारे सारे लेटर्स कैपिटल हो गए हैं। दीज टू आइकन्स, इसमें क्या होता है, दिस इज इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये आपका जो फॉन्ट होता है उसको थोड़ा बड़ा कर देगा। यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है इसमें तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं बिग एंड स्मॉल करने के लिए, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं इनमें आपका फॉन्ट साइज बड़ा होगा वो एक्सटेंडेड वैल्यू है कि आपका इतना ही बड़ा होगा। दिस इज डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसमें आपका फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड वैल्यू। यहाँ से तो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बट ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू ही है जिसके अकॉर्डिंग होगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, हमने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पर आप देखिए इंडियन, द इंडियन क्रिकेट का साइज आपका थोड़ा बड़ा हो गया है एज कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट। वी क्लिक ऑन डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो ये नॉर्मल साइज में आ गया जितने में आपका और सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने इंक्रीज किया। अगर आपको इंक्रीज पे दोबारा अगर आप क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा और बड़ा होता जाएगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड डिक्रीज पे करेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, जितना भी आपको चाहिए यू कैन स्टॉप देयर। बट इसमें क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज, हम यहाँ पर वैल्यू खुद डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज खुद दे रहे थे कि हमें 18 साइज चाहिए, 20 चाहिए, लाइक दैट। अब आपने यहाँ पर सपोज साइज इंक्रीज किया था, हमें चाहिए कि हमने जो ये फॉर्मेटिंग की है ये रिमूव हो जाए। आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, दैट मीन्स अंडू, या आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ये भी आपका अंडू करेगा, जो अभी आपने चेंजेस किए उनको रिमूव कर देगा। हमने फिर से एक बार साइज इंक्रीज किया, अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। इससे क्या होता है, जो भी आपने स्टार्टिंग से फॉर्मेटिंग की है वो सारी रिमूव हो जाएगी, लाइक दिस। हमारा सबसे पहले फोन साइज ये था, हमने इसको इंक्रीज करके इतना किया था एंड वी मेड चेंजेस इनटू इट। अगर आपने इस आइकन पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो आपके जितने भी चेंजेस थे स्टार्टिंग से लेके अब तक वो सब रिमूव हो जाएंगे। अब वी वॉन्ट कि हमारा जो ये चेंजेस रिमूव हुए हैं और जितने में हमारा सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसके सिमिलर हो। सपोज आपने फोन साइज वगैरह चेंज किया था, आपको याद नहीं है आपने कौन सा फोन साइज चेंज किया, आपको फोन डिज़ाइन नहीं पता कि आपने कौन कौन से चेंजेस कर दिए थे। मान लो आपने बहुत सारे चेंजेस किए थे एंड आपको याद नहीं है, तो वी हैव ए शॉर्टकट। आप इसको क्लिक कीजिए, टेक्स्ट को गो ऑन दिस ऑप्शन, दिस इज फॉर्मेट पेंटर। आपका टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है अगर आपको सेम स्टाइल दूसरे टेक्स्ट में डालना है तो ये क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया एंड वी सिलेक्टेड डीएन क्रिकेट। इससे आपका जो बाकी के सेंटेंस का फॉन्ट था सिमिलरली द इंडियन क्रिकेट का हो गया। फॉर्मेट पेंटर से आप ऐसे एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे पे कॉपी कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस हाउ टू चेंज फॉन्ट कलर। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, गो ऑन दिस ऑप्शन, ये आपके पास डिफरेंट फॉन्ट कलर्स हैं, वी सिलेक्टेड दिस वन। ये आपका फॉन्ट टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है, देन यू गो ऑन दिस ऑप्शन। इससे क्या हुआ कि आपके टेक्स्ट जितने में आपका टेक्स्ट था वहां पर ये ग्रीन कलर फिल हो गया। अगर मेरे को यहां पर भी देना है, ये सिमिलरली मैंने सेलेक्ट किया, आपने ये सेलेक्ट किया, आपने फॉर्मेट पेंटर किया और आपने इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया, तो जैसे आपका क्रिकेट न्यूज लिखा हुआ था वैसे ही आपका पूरा सेंटेंस हो गया। आई एम अनडूइंग इट।
नाउ लेट अस डिस्कस स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है उस पर अगर आप सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो ये टेक्स्ट ऐसे आपका स्ट्राइक हो जाएगा, एक लाइन आपकी उस टेक्स्ट को के थ्रू निकलेगी। अंडू इट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इनमें क्या होता है, जैसे हमें 2021 में 21 को सपोज 20 की ऐसे पावर शो करना है, जैसे भी हम कोई नंबर डालते हैं हमें उसे ऐसे पावर शो करना होता है, ऊपर टेक्स्ट शो करना होता है नॉर्मल लाइन से, तो हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। एंड अगर आपको लोअर में शो करना है नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से तो क्लिक ऑन सबस्क्रिप्ट। दिस इज योर सबस्क्रिप्ट वैल्यू, दिस इज योर सुपर स्क्रिप्ट वैल्यू। अब हम फॉर्मेट पे इंटर करके इसको नॉर्मल कर देंगे, दिस विल बी नॉर्मल टेक्स्ट लाइन में। सो हमने यहाँ पर डिस्कस किया फॉन्ट डिज़ाइन, फॉन्ट साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज, केसेस, फॉर्मेटिंग, क्लियरिंग, बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर चेंज एंड टेक्स्ट हाईलाइट। ये सब हमने फॉर्मेटिंग टेक्निक्स यहाँ पर डिस्कस की। एंड इनको करने के आपके पास एज आई टोल्ड अर्लियर दो वेज हैं, चाहे तो आप इस फॉन्ट टैब में से आइकन्स को चूज कीजिए या आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस टूल बार से क्लिक कीजिए। अगर आपको और ऑप्शंस भी देखने हैं इन स्टैंडर्ड ऑप्शंस के अलावा, यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन। यहाँ पर आपके पास फॉन्ट डिजाइनिंग के, फॉन्ट साइज, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर या वेरियस इफेक्ट्स लाइक सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स एक्सेट्रा भी हैं। यू क्लिक ऑन एडवांस्ड तो आपके टेक्स्ट की पोजीशनिंग आपको क्या करनी है, उसमें स्पेस कितनी देनी है, स्केलिंग कितनी करनी है, आप ये सब चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी बेसिक हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो मेनली हम यहाँ से जो टूल बार में ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे लिए इतना ही सफिशियंट होता है। बट दैट वॉज लाइक अगर आपको और ज़्यादा भी करनी है तो यू गो ऑन दिस आइकन एंड आप इन ऑप्शन से चूज करके सेलेक्ट करके यू कैन क्लिक ऑन ओके। दैट वॉज ऑल ऑन हाउ टू डू फॉन्ट फॉर्मेटिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।